हम भी आज कुछ ऐसा ही कर रहे हैं, लेकिन ये बॉट बॉट नहीं सुपर बॉट है। देखिए कैसे, अभी ये बोट आराम से पानी पे खड़ी है और बड़ी हल्का हल्का मूव कर रही है, लेकिन अभी मैं इसको सुपर बोट बनाने वाला हूं। देखिए कैसे, अभी है ना मैजिक। आखिर मैंने ऐसा क्या किया कि बोट एकदम तेज स्पीड से आगे की तरफ एक्सेलरेट हुई। ध्यान से समझेंगे इसे एक और एक्टिविटी की हेल्प से। देखिए ये एक बॉल है, मैं इसके अंदर कुछ पानी लेने वाला हूं। अभी मैं कुछ ब्लैक पेपर लेने वाला हूं और इस पे डालने वाला हूं। काली मिर्च को मैंने यूनिफॉर्मली स्प्रेड किया पानी के सरफेस पे, क्योंकि ये वेट में लाइट है इसीलिए आराम से फ्लोट कर रही है। आप कोई और पार्टिकल भी ले सकते हैं। और जैसे ही अब मैं इस पानी में अपनी फिंगर डिप करूंगा, आप देखेंगे कि सभी के सभी काली मिर्च के पार्टिकल पेरिफेरी पे चले जाएंगे। देखिए कैसे, सारे पार्टिकल्स पेरिफेरी पे चले गए। आखिर मैं इस फिंगर पे क्या ऐसा ले रहा हूं जिससे बोट तेज भाग रही है, पेपर के पार्टिकल्स पेरिफेरी पे जा रहे हैं। बच्चे इसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन। देखिए पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, हाइड्रोजन बॉन्ड भी होता है। उन्होंने मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से बांध रखा है। अब जैसे ही हम क्या करते हैं पानी के अंदर, ये मैं फिंगर पे क्या ले रहा हूं बच्चों, ये मैं फिंगर पे ले रहा हूं, यस सो डिटॉल किया है नहीं है, लेकिन हम एक केमिकल ले रहे हैं जिसका नाम है सो। आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। जैसे ही मैं अपनी फिंगर पे सोप सॉल्यूशन लेकर के और उसे डिप करता हूं, पानी की सरफेस टेंशन ब्रेक हो जाती है। सोप आखिर पानी की सरफेस टेंशन क्यों ब्रेक कर रहा है? सोप के बारे में आप जानते होंगे कि सोप हाइड्रोफोबिक नेचर का होता है, पानी से दूर भागने वाला। तो जैसे ही सोप की एक ड्रॉप भी पानी में जाती है, पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो सरफेस पे फोर्स है, पार्टिकल्स का फोर्स है, वो फोर्स ब्रेक हो जाता है, जिससे पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से दूर भागते हैं। और उसी को हम देखते हैं जब, अब पानी के पार्टिकल दिखेंगे हमें कैसे, जब पेपर के पार्टिकल दूर जाएंगे। इसीलिए बोट भी तेज रफ्तार से आगे क्यों गई, क्योंकि पानी के पार्टिकल्स तेज स्पीड से मूव कर रहे थे, क्योंकि उनके बीच की सरफेस टेंशन को ब्रेक किया था किसने, सोप ने।